देखो हमारा 5.3 एक्सरसाइज चल रहा है, ओके पूरे एक्सरसाइज में एक ही फॉर्मूला है, स्लोप वाला फॉर्मूला है y2 माइनस y1 डिवाइड बाय x2 माइनस x1, ओके ये फॉर्मूला कब हम लोग यूज करेंगे, जब दो पॉइंट के बीच का मुझे स्लोप निकालना है। फॉर एग्जाम्पल एक लाइन है ए एंड बी, कितने पॉइंट है, दो पॉइंट है, मुझे ए बी का स्लोप निकालना है, तो स्लोप ए बी फॉर्मूला क्या आएगा, स्लोप ए बी, स्लोप ए बी फॉर्मूला आएगा y2 माइनस y1 डिवाइड बाय x2 माइनस x1। ये हम लोगों ने लास्ट वीडियो में देखा है, इसके सम्स भी हम लोगों ने किए हैं। अभी क्वेश्चन नंबर फोर क्या दिया है, देखो ए 1, -1, बी 0, 4 एंड सी -5, 3, ये तीन पॉइंट दिए आर वर्टेसेस ऑफ ट्रायंगल, ये तीनों भी पॉइंट ट्रायंगल के पॉइंट है, किसके पॉइंट है, ट्रायंगल के। फाइंड द स्लोप ऑफ ईच साइड, ओके देखो यहां पे क्वेश्चन बोला है हर साइड का स्लोप निकालो, ट्रायंगल को कितने साइड होते हैं, तीन साइड, तो मुझे तीन साइड का क्या निकालना है, स्लोप निकालना है, सिंपल। तो मैंने एक ट्रायंगल बना दिया ए बी एंड सी, ए के पॉइंट्स क्या है 1, -1 लिखा 1, -1, बी के पॉइंट लिखा 0, 4, सी के -5, 3, सबको नेमिंग कर दिया, ये x1 ये y, ये x2 y2 x3 y3, ओके तो मुझे हर साइड का स्लोप निकालना है, ईच साइड। तो मैं साइड कौन सा, पहला ए बी, स्लोप ऑफ ए बी क्या आएगा, y2 - y1 x2 - x1 आ गया। ये मैं सॉल्व करके नहीं बताऊंगा क्योंकि प्लस माइनस है और डिवाइड है, ये तो आना चाहिए अभी। एबी का स्लोप निकालो, तो ये फर्स्ट एबी का स्लोप, सेकंड बीसी का स्लोप निकालना है, लेकिन यहां पे क्या x2 y2 x3 y3 है, तो बेसिक फॉर्मूला था y2 - y1 डिवाइड बाय x2 - x1, तो मैंने देखा यहां पे 2 - 1, देखो यहां पे 2 है यहां पे 1 है, मतलब बड़े में से छोटा है ना, तो यहां पे क्या आएगा y3 - y2 x3 - x2 आ गया। ये स्लोप तुम लोग निकालो, उसके बाद कौन सा स्लोप, एसी का स्लोप निकालना है, y3 - y1 x3 - x1, ओके ये सम तुम लोगों को सॉल्व करना है, मैंने बाकी सब लिख के दे दिया है, बस तुम्हें वैल्यू डालना है। ये हो गया तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 4, ओके क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, ओके फाइंड के इफ आर 1, -1 एस -2, k एंड स्लोप आर एस इज -2, ओके क्या क्या दिया है, देखो मुझे पॉइंट दिया है आर एंड एस, ओके स्लोप भी दिया है, स्लोप आर एस भी दिया है, कितना -2 दिया है, तो ये हुआ तुम्हारा x1, ये हुआ तुम्हारा y1, ये हुआ तुम्हारा x2, ये हुआ तुम्हारा y2, और स्लोप पूछा है, तो स्लोप का फॉर्मूला आएगा स्लोप आर एस इज इक्वल टू, देखो स्लोप आर एस इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या, y2 - y1 एंड x2 - x1, ठीक है, स्लोप आर एस का वैल्यू दे दिया, देखो कितना है -2, तो लिखा मैंने -2 इज इक्वल टू, y2 कितना है, y2 है k, k-, y1 कितना है, यहां पे है -1, तो लिखा -1, ओके डिवाइड बाय x2 कितना है, x2 है -2, तो ये माइनस एन दे दिया, x1 कितना है 1, तो चलो इसे सॉल्व कर दे, अभी इजी है बहुत, देखो न्यूमरेटर में देखो कंटिन्यू माइनस, माइनस के बाद माइनस, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो के प्लस 1 डिवाइड बाय, देखो -2 - 1 - 2 - 1 माइनस माइनस प्लस होता है, तो प्लस कर दिया, दोनों को भी साइन माइनस है, तो आंसर को भी साइन माइनस, तो यहां पे आया -3, ओके आगे सॉल्व करते हैं, देखो ये -3 यहां पे डिवाइड है, ये साइड शिफ्ट हुआ तो मल्टीप्लाई होगा वो, तो -2 - -3 और यहां पे आया k+1। अभी ध्यान दो अच्छे से, मल्टीप्लाई में दो नंबर को साइन सेम है तो आंसर पॉजिटिव आएगा, 2, 3 = 6, ये k+1, अब ये +1 है, ये साइड शिफ्ट हुआ तो
माइनस वन, सिक्स माइनस वन इज इक्वल टू के, तो के का वैल्यू कितना आया, सिक्स माइनस वन फाइव आ गया के का वैल्यू। देखो के का वैल्यू फाइंड आउट करना था मुझे, ये हो गया तुम्हारा क्वेश्चन नंबर सिक्स। सेम सम दिया है, देखो एक सेम टाइप का सम दिया है, आगे भी फाइंड के इफ बी के कॉमा माइनस फाइव एंड सी वन कॉमा टू, और स्लोप दिया है बीसी का सेवन। ओके तो स्लोप बीसी सेम टाइप का सम है। ओके क्या करना है, देखो सिंपल स्लोप बीसी लिखा, बीसी का वैल्यू कितना है सेवन, वाई टू कितना है, वाई टू है मेरा, देखो ये हुआ एक्स वन, ये हुआ वाई वन, ये हुआ एक्स टू, ये हुआ वाई टू, वाई टू कितना है टू है, टू माइनस व्हाट इज वाई वन माइनस फाइव डिवाइड बाय एक्स टू कितना है वन माइनस के। ओके अभी देखते हैं सेवन इज इक्वल टू, देखो बीच में माइनस माइनस, माइनस माइनस क्या होता है, माइनस माइनस होता है प्लस, तो टू प्लस फाइव डिवाइड बाय वन माइनस के, इसको मैं ब्रैकेट में रखता हूं। ओके अभी देखो टू प्लस फाइव सेवन आता है, सेवन इज इक्वल टू सेवन डिवाइड बाय वन प्लस के, ये डिवाइड है, ये डिवाइड है, ये साइड शिफ्ट हुआ तो मल्टीप्लाई होगा, सेवन इंटू वन प्लस के, सॉरी वन माइनस के, सॉरी इज इक्वल टू सेवन। ओके अगर इजी कैलकुलेशन बोलू, देखो सॉल्व कर सकता हूं बहुत सारे मेथड, दो मिनिमम दो मेथड से तो आराम से सॉल्व कर सकता हूं, लेकिन इजी वाला बता देता हूं। देखो सेवन यहां पे मल्टीप्लाइड है, वो साइड शिफ्ट हुआ तो क्या होगा डिवाइड, वन माइनस के इज इक्वल टू सेवन डिवाइड बाय सेवन, सेवन वन जा सेवन, वन जा सेवन। ओके तो आंसर क्या है, वन माइनस के इज इक्वल टू वन। ओके अभी देखो यहां पे माइनस के है। ओके देखो मुझे क्या चाहिए, पॉजिटिव के चाहिए ना, पॉजिटिव के चाहिए, यहां पे प्लस के चाहिए ना, यहां पे क्या है माइनस है, ये माइनस है, ये साइड शिफ्ट हुआ तो क्या होगा प्लस वन प्लस के आएगा, सही है, और ये प्लस वन है, ये बाजू आया तो वन माइनस वन इज इक्वल टू के, के कितना आया फिर जीरो, समझाइए। देखो इजी है, क्या किया देखो यहां पे सेवन, सेवन यहां पे मल्टीप्लाइड था, वो साइड शिफ्ट हुआ तो डिवाइड हुआ, सेवन वन जा सेवन, तो आंसर कितना आया वन, तो लिखा वन। ओके मुझे के पॉजिटिव चाहिए, यहां पे नेगेटिव है तो ये माइनस के वो साइड शिफ्ट किया प्लस के आया, ये प्लस वन है ये बाजू आया तो माइनस, तो वन माइनस वन जीरो, तो के का वैल्यू आया जीरो। अभी एक बेसिक एक सम सिखाने से पहले उसका बेसिक थोड़ा सा मैं तुम लोगों को बता देता हूं, ये वेरी आईएमपीया, बहुत सारे लोग ये बेसिक भूल जाते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बेसिक है ये चैप्टर में भी, अगर देखो ए बी एक लाइन है, पी क्यू एक लाइन है, अगर ये दो लाइन पैरेलल है तो दोनों का स्लोप इक्वल, ये चीज याद रखना है तुम्हें। देखो अगर ए बी पैरेलल टू पी क्यू है तो दोनों का भी स्लोप क्या होगा, स्लोप स्लोप ए बी इक्वल टू स्लोप पी क्यू, याद रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उल्टा भी हो सकता है, उल्टा भी हो सकता है, ये याद रखना है, उल्टा भी हो सकता है। अगर लाइन ए बी एंड लाइन पी क्यू ये दोनों भी पैरेलल है तो दोनों का स्लोप इक्वल है, याद रखना है। अगर ऐसे कर दिया तो
स्लोप ए बी इक्वल टू स्लोप पी क्यू, तो दो लाइन पैरेलल बन सकते हैं, उल्टा भी हो सकता है। ओके तो उल्टा भी लिख देता हूं, सेम दो लाइन, इफ ये सेकंड बेसिक, ये फर्स्ट है और ये सेकंड बेसिक है, इसको ही उल्टा कर देता हूं, इफ स्लोप ए बी इक्वल टू स्लोप पी क्यू देन ए बी पैरेलल टू पी क्यू, सेम डायग्राम। देखो मैंने क्या लिखा, पहला वाला देखते हैं, अगर दो लाइन पैरेलल है तो दोनों का स्लोप इक्वल। ओके इसको ही उल्टा कर दो, अगर दो लाइन का स्लोप इक्वल है, अगर दो लाइन का स्लोप इक्वल है तो ये दो लाइन पैरेलल भी है, ये याद रखना है, ये तुम्हें याद रखना है, ये चीज तुम्हें याद रखनी है। ओके ये दोनों भी चीजें तुम्हें याद रखनी है, बेसिक है। ओके चलो इससे रिलेटेड एक सम है वो कर लेते हैं, एक्चुअली इससे रिलेटेड दो सम है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया, फाइंड के इफ पी क्यू पैरेलल टू आर एस पी दिया है 2.4 क्यू दिया है 3.6 आर दिया है 3.1 एंड एस दिया है 5.k। ओके तो देखो यहां पे क्या लिखा है, दो लाइन क्या है पैरेलल, अगर दो लाइन पैरेलल है तो उसका स्लोप क्या होता है, दोनों का भी स्लोप इक्वल होगा। ओके तो मैं दो पैरेलल लाइन बना देता हूं, नाम देता हूं इसको P Q और ये R और S, चलो पॉइंट लिखते हैं इसके 2.4 Q के पॉइंट 3.6 R के पॉइंट कितने 3.1 एंड S के 5.k। ओके यहाँ पे आया X1 यहाँ पे आया Y1 यहाँ पे आया X2 यहाँ पे आया Y2 यहाँ पे आया X3 यहाँ पे आया Y3 यहाँ पे आया X4 यहाँ पे आया Y4। ओके ये दोनों भी लाइन इक्वल, देखो फाइंड क्या करना है, के का वैल्यू फाइंड करना है मुझे, ठीक है करना है, लेकिन क्या दिया है मुझे, दो लाइन पैरेलल है तो सिंपल लॉजिक, अगर दो लाइन पैरेलल है तो उनका स्लोप क्या होता है, इक्वल होता है। ओके तो यहां पे देखो मैंने डायग्राम बना दिया है, तो फर्स्ट क्या करूंगा, देखो फर्स्ट पी क्यू पैरेलल टू आर एस, ये गिवन है तो लिखा मैंने गिवन। ओके इक्वेशन नंबर 1 दे दिया, दो लाइन पैरेलल है तो ये दोनों लाइन का स्लोप भी क्या होगा, इक्वल होगा, तो लिखूंगा स्लोप पी क्यू इज इक्वल टू स्लोप आर एस, यहां पे लिखूंगा फ्रॉम 1। चलो फॉर्मूला लिखते हैं, स्लोप पी क्यू इक्वल टू स्लोप आर एस, देखो यहां पे क्या है y2 - y1 है ना, y2 - y1 डिवाइड बाय x2 - x1 आया इज इक्वल टू, यहां पे क्या गया है y4 - y3, देखो y4 - y3 डिवाइड बाय x4 - x3, बस अभी सारे वैल्यू डाल दो। ओके y2 कितना है 6, तो लिखा 6 माइनस y1 कितना है 4, तो लिखा मैंने 4 डिवाइड बाय x2 कितना है 3, तो लिखा मैंने 3 माइनस x1 कितना है 2, देखो x1 2 है इज इक्वल टू, अभी y4 का वैल्यू क्या है k, तो लिखा मैंने k माइनस y3 का वैल्यू क्या है 1, तो लिखा 1। ओके x4 कितना है 5 माइनस x3 कितना है 3, बस अभी इसे सॉल्व करते हैं, 6 - 4 2, 3 - 2 1, k - 1 ही रहेगा डिवाइड बाय 5 - 3 कितना 2, सही है यहां तक समझा। ओके अभी बहुत इजी कैलकुलेशन है देख लो, देखो 2 upon 1 इक्वल टू k - 1 डिवाइड बाय 2, दोनों के बीच में साइन क्या है इक्वल है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो 2 into 2 इज इक्वल टू 1 into k - 1 है ना, 1 into k - 1। ओके 2 2s are 4। ओके अभी मुझे बताओ
वन इंटू टू कितना टू, वन इंटू थ्री कितना थ्री, वन इंटू के माइनस वन कितना होगा फिर के माइनस वन, तो लिख दिया के माइनस वन। अब ये माइनस वन है, ये साइड शिफ्ट हुआ तो प्लस, तो फोर प्लस वन इज इक्वल टू के, तो के का वैल्यू कितना आया फाइव। ओके मिल गया के का वैल्यू, समझाइए सम। ओके आगे लास्ट सम बचा है, लास्ट सम बचा है वो हम लोग करेंगे अभी, बहुत बड़ा सम है लेकिन उसके लिए मैं तुम लोगों को हेल्प नहीं करने वाला, सिर्फ बताऊंगा कैसे करना है। क्वेश्चन नंबर फाइव, शो दैट देखो याद रखना, जब स्लोप की बात करेंगे ना हम लोग स्लोप की, तब होता क्या अगर पैरेललोग्राम है या कोई भी चीज है। ओके एक चीज अभी मैंने दो बेसिक बताया, अगर दो लाइन पैरेलल दो स्लोप इक्वल, अगर दो स्लोप इक्वल दो लाइन पैरेलल, ये चीज याद रखना है तुम्हें, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, ये तुम्हें याद रखनी है। देखो ये प्रॉपर्टी का मैं यूज करने वाला हूं पैरेललोग्राम के, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर पैरेलल, पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स पैरेलल होते हैं, सॉरी हां सही है, पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स क्या होते हैं पैरेलल। अभी ये प्रॉपर्टी का यूज मुझे यहां पे करना है, दो साइड तो सोचो दो साइड पैरेलल मतलब दोनों का स्लोप क्या है अपोजिट, देखो सिंपल लॉजिक, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर पैरेलल, पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स पैरेलल होते हैं। तो अभी मैंने एक बेसिक बताया, अगर अपोजिट साइड समझो पैरेलल है तो उनका स्लोप भी क्या होगा इक्वल, उनका स्लोप भी क्या होगा बस तुम्हें स्लोप को इक्वल बत, अपोजिट साइड के स्लोप को तुम्हें इक्वल बताना है, पैरेलल हो जाएगा। कैसे देखते हैं, देखो बी दिया है माइनस वन कॉमा टू, सी दिया है 8.5 एंड डी दिया है 5.-4, आर वर्टाइसिस ऑफ पैरेललोग्राम। ओके तो मैं एक ऐसे एक फिगर ड्रॉ कर देता हूं, नेमिंग भी कर देता हूं, देखो ए बी सी डी, ए बी सी डी, ओके चलो पॉइंट लिख लेते हैं, माइनस फोर कॉमा माइनस सेवन, डी के क्या है माइनस वन कॉमा टू, सॉरी बी के, बी के कितने माइनस वन कॉमा टू, सी के कितने 8.5 एंड डी के कितने 5.-4। नाम दे देता हूं इसको एक्स वन वाई वन, एक्स टू वाई टू, एक्स थ्री वाई थ्री एंड एक्स फोर वाई फोर। तो देखो क्वेश्चन क्या बोलता है, क्वेश्चन बोलता है कि शो करो ये जो चार पॉइंट्स दिए हैं ना ये किसके पॉइंट्स है पैरेललोग्राम के, वर्टाइसेस मतलब पॉइंट्स। ओके मुझे क्या प्रूव करना है, मुझे ये प्रूव करना है कि ये जो चार पॉइंट मुझे दिए हैं ये किसके पॉइंट्स है पैरेललोग्राम के। तो सिंपल लॉजिक, अगर मैंने ये डायग्राम को पैरेललोग्राम प्रूव कर दिया ना तो ये पॉइंट किसके पॉइंट बन जाएंगे पैरेललोग्राम के, सही है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखो ये चारों भी पॉइंट ये बताओ ये दिखाओ कि ये चारों भी पॉइंट किसके पॉइंट है पैरेललोग्राम के, ये क्वेश्चन है। तो समझो अगर मैंने ये डायग्राम को पैरेललोग्राम बना दिया ना तो ये चार पॉइंट किसके पॉइंट बन जाएंगे फिर पैरेललोग्राम के, सिंपल लॉजिक। ओके तो देखो तो मुझे ये कंसेप्ट यूज करना है, पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टी है अपोजिट साइड क्या होते हैं पैरेलल। तो मैंने सोचा कि अब देखो अपोजिट साइड ये और ये, देखो अपोजिट साइड लेते हैं,
एडी एंड बीसी, ये दोनों को मुझे क्या बताना है पैरेलल, ये पैरेललोग्राम प्रूव करना है मुझे, ये है क्या, पहले इसको पैरेललोग्राम प्रूव करो। अगर ये पैरेललोग्राम बन गया ना तो ये किसके पॉइंट बन जाएंगे, पैरेललोग्राम के, सिंपल है। तो एक प्रॉपर्टी याद रखना है, स्लोप है इसके लिए ये प्रॉपर्टी आया, क्योंकि मैंने उसका बेसिक थोड़ी देर पहले बताया है। देखो देखो, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर पैरेलल, पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं। तो देखो, अगर मैंने एडी पैरेलल टू बीसी बता दिया एंड एबी पैरेलल टू सीडी बता दिया, तो ये क्या बन जाएगा, पैरेललोग्राम, प्रॉपर्टी है उसका भाई, है ना। तो एडी पैरेलल टू बीसी मुझे ये बताना है, एडी और बीसी पैरेलल है ये प्रूव करना है, तो मुझे ये दोनों का क्या निकालना पड़ेगा, स्लोप। क्योंकि अगर ये दोनों का स्लोप इक्वल आ गया ना, ये दोनों का स्लोप इक्वल आ गया, तो ये दो लाइन क्या बन गया, पैरेलल बन गया। अगर ये दोनों का स्लोप इक्वल आ गया तो ये दो लाइन क्या बन गया, पैरेलल, तो ये क्या बन जाएगा, पैरेललोग्राम। समझा क्या करना है, समझाइए, समझे। एडी का और बीसी का स्लोप निकालो, अगर दोनों का स्लोप इक्वल आ गया तो दो लाइन पैरेलल, सही है। अगर एबी एंड सीडी का स्लोप इक्वल आ गया तो दो लाइन पैरेलल। ओके, तो मुझे क्या करना है, इन शॉर्ट चारों साइड का स्लोप निकालना है। देखो, फर्स्ट स्लोप एडी का निकालो पहले, देखो अभी मैं कुछ नहीं लिख के दूंगा, स्लोप एडी निकालो, इक्वेशन नंबर वन देना, फिर स्लोप बीसी निकालो, इक्वेशन नंबर टू दे देना, फिर स्लोप एबी निकालो, इक्वेशन नंबर थ्री दे देना, फिर क्या निकालो, ये स्लोप सीडी, इक्वेशन नंबर फोर। ओके, तो लॉजिक के हिसाब से एडी का स्लोप और बीसी का स्लोप क्या आना चाहिए, इक्वल आना चाहिए, है ना। तो यहां पे मैं लिखूंगा नेक्स्ट, स्लोप एडी इक्वल टू स्लोप बीसी फ्रॉम वन एंड टू। ओके, यहां पे ये लिखना जरूरी है, फ्रॉम वन एंड टू, तो इसको भी एक इक्वेशन दे देता हूं फाइव, और फिर लिखूंगा स्लोप एबी एंड स्लोप एबी इक्वल टू स्लोप सीडी ओके, यहां पे लिखूंगा फ्रॉम थ्री एंड फोर, ये इसे इक्वेशन नंबर सिक्स दे दूंगा। सिंपल लॉजिक है, अगर स्लोप एडी ऐसे नहीं लिखते, थोड़ा सा इसी करके लिख लेते हैं, और देखो स्लोप एडी एंड स्लोप बीसी, स्लोप एडी एंड स्लोप बीसी दोनों का स्लोप इक्वल है, तो ये दो लाइन क्या बन गया, पैरेलल। तो यहां पे लिखता हूं देयरफॉर एडी पैरेलल टू बीसी फ्रॉम फाइव, समझे। देखो एडी का स्लोप एंड बीसी का स्लोप इक्वल आ गया, तो ये पैरेलल हो गया, यही दो लाइन पैरेलल हो गया। अभी क्या है, स्लोप बी, स्लोप एबी एंड स्लोप सीडी दोनों इक्वल है, इक्वल है, तो ये दोनों लाइन क्या बन गया, एबी पैरेलल टू सीडी, देयरफॉर। तो देखो अपोजिट साइड पैरेलल बन गए, अपोजिट साइड क्या बन गए, पैरेलल बन गए। तो यहां पे क्या लिखूंगा, ये प्रॉपर्टी लिखूंगा मैं, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर पैरेलल, देयरफॉर ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम। समझ में क्या लिखने वाला हूं, देखो आगे क्या लिखूंगा मैं, ये प्रॉपर्टी लिखने वाला हूं आगे। देखो अपोजिट साइड इक्वल आ गया था, है ना, अपोजिट साइड पैरेलल आ गया, सॉरी पैरेलल आ गया, तो मैं ये प्रॉपर्टी लिखूंगा, फिर लिखूंगा देयरफॉर ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम, देयरफॉर पॉइंट ए बी सी एंड डी आर वर्टाइसेस ऑफ पैरेललोग्राम, समझे क्या करना है, समझा। देखो अगर इन केस ये दोनों का स्लोप इक्वल नहीं आता है, तो यहां पे नॉट इक्वल टू लिखना, तो ये लाइन पैरेलल होगा क्या, नहीं, तो नहीं लिखना। समझो ये दोनों का भी नहीं है, तो यहां पे भी ऐसे नॉट इक्वल टू, तो ये नहीं लिखना है, और सीधा स्टेटमेंट लिख देना, इट्स नॉट अ पैरेललोग्राम, एबीसीडी इज नॉट ए पैरेललोग्राम, एंड देयरफॉर
एबीसीडी आर नॉट वर्टाइसिस ऑफ पैरेललोग्राम, ये लिखना है। ओके कैसे करना है समझाए? ओके ये तुम लोग सॉल्व करके बताओगे यार मुझे, मैं पहले ही बोल रहा हूं, ध्यान दो अच्छे से। पहले देखो मैंने दोनों स्लोप के इक्वल बता दिया, दो स्लोप इक्वल तो दो लाइन पैरेलल, दो स्लोप इक्वल तो दो लाइन पैरेलल ऐसे लिखूंगा मैं। फिर ये प्रॉपर्टी लिखूंगा, पैरेलल बन गया ना अपोजिट साइड, तो वो एबीसीडी क्या बन गया, पैरेललोग्राम। तो एबीसीडी इसके क्या बन गया, वर्टाइसिस। चैप्टर कंप्लीट हो गया तुम्हारा ये, ओके चैप्टर ये कंप्लीट, तीन सम बचे। ओके उसका वीडियो चाहिए तो मैं कल भेज दूंगा तुम लोगों को, लेकिन चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट हो गया ये, ठीक है।